So dear students, you can see that I have written here class 7 subject English honeycomb lesson 1 3 questions. या मतलब ये मैं क्लास 7 में सब्जेक्ट इंग्लिश की इंग्लिश सब्जेक्ट का जो मेन कोर्स बुक हमारी हनीकॉम उसका पहला लेसन लेसन नेम है 3 क्वेश्चन उसका मैं आज क्वेश्चन नंबर 7 और 8 यहाँ पे आपको लिखवा रहा हूँ। जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक का आंसर लिखवा दिया था, टुडे आई एम गोइंग टू मेक यू राइट द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। तो फॉर क्वेश्चन नंबर 7 प्लीज रिफर टू योर टेक्स्ट बुक। द किंग फॉरगिव द बर्डेड मैन, व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस। तो राजा ने उस दाढ़ी वाले व्यक्ति को माफ़ कर दिया और अपनी माफ़ी को शो करने के लिए उसने क्या किया। तो ये आंसर है इसका, द किंग फॉरगिव हिज एनिमी एंड मेड पीस विथ हिम। He said that he would send his servants and his own doctor to look after him. He promised to give back the man his property. In this way he showed his forgiveness. इसमें लिखा है कि राजा ने माफ कर दिया अपने शत्रु को और उसके साथ शांति स्थापित की। उन्होंने बियर्डेड मैन से कहा कि वह उनकी देखभाल के लिए अपने नौकरों को और अपने निजी डॉक्टर को भेजेंगे। ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी। उन्होंने उस आदमी को उसकी प्रॉपर्टी वापस करने का भी वायदा किया। इन दिस वे ही शोड हिज फॉरगिवनेस। यहाँ ही राजा के लिए है, इस प्रकार राजा ने अपनी माफ़ी को शो किया, अपनी माफ़ी दिखाया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। फॉर क्वेश्चन आई हैव जस्ट रिटेन द आंसर। फॉर क्वेश्चन रिफर द क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट वर द रिफर योर बुक। What were the hermit's answer to the 3 questions? तीनों प्रश्नों का आंसर हर्मिट ने क्या दिया? तीनों प्रश्नों के लिए हर्मिट के क्या आंसर थे? Write each answer separately। हर आंसर को सेपरेटली लिखिए। Which answer do you like most and why? और किस आंसर को अब आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं और क्यों पसंद करते हैं यही बताना है। तो नाउ आई एम गोइंग टू राइट द आंसर ऑफ फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाट वर द हर्मिट्स आंसर टू द 3 क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चंस के आंसर क्या थे, अलग अलग उनका आंसर देना है। तो ये देखिए, द हर्मिट गेव द फॉलोइंग आंसर्स। हर्मिट ने है ना ये आंसर दिए, फॉलोइंग मतलब जो इसके बाद हमने लिखा है ये आंसर दिए। पहला आंसर था पहले क्वेश्चन का, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम इज नाउ। एज यू नो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द किंग वाज दैट व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। किसी काम करने का सबसे महत्वपूर्ण समय क्या होता है? तो उसके आंसर में ये है, हर्मिट ने ये आंसर दिया था, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम इज नाउ, कि सबसे महत्वपूर्ण समय है अब। और जो सेकेंड क्वेश्चन था उसका आंसर है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज द पर्सन यू आर विथ एट ए पार्टिकुलर मोमेंट, कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जिसके साथ आप किसी निश्चित क्षण में रहते हैं या किसी निश्चित समय पे आप जिसके साथ रहते हैं वही व्यक्ति आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका आंसर ये है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू गुड टू दैट पर्सन, किस
किसी व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह किसी व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य वह होता है सॉरी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू गुड टू दैट पर्सन कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य उस व्यक्ति की भलाई करना होता है, उस व्यक्ति के लिए अच्छाई का काम करना होता है जो व्यक्ति किसी निश्चित समय पर आपके साथ होता है। और ये आंसर जो क्वेश्चन नंबर 8 का जो लास्ट सेगमेंट है क्वेश्चन का, विच आंसर डू यू लाइक मोस्ट एंड व्हाई, कौन सा आंसर आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, क्यों करते हैं, उसके लिए आंसर है आई थिंक ऑल द आंसर्स आर इक्वली गुड सो आई लाइक देम ऑल, मैं मानता हूँ कि सारे आंसर समान रूप से अच्छे हैं, कोई ज़्यादा कोई कम अच्छा नहीं है, इसलिए मैं उन सबको पसंद करता हूँ, मीन्स मैं सारे इन तीनों आंसर्स को पसंद करता हूँ। इस ढंग से आप लिख देंगे